जी नमस्कार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपका स्वागत है। पार्ट सिक्स लेके मैं आ गया। पार्ट सिक्स में अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे डिफरेंट टाइप को फटाफट कर देंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ परमुटेशन एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स है, और टेकन आर एट ए टाइम, आर इसमें लेना है, तो आपका क्या होगा? तब आपकी फॉर्मूला होगा एन के पावर आर। एन के पावर क्या होगा? बोलो यस अनु। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, ए चाइल्ड हैज फोर पैकेट एंड थ्री मार्बल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन चाइल्ड पुट द मार्बल्स इन पैकेट। तो यहां पर तुम्हारे पास जो है, पहले मार्बल को, यानी मार्बल वन, मार्बल टू, मार्बल थ्री, इसके लिए चार पैकेट है, और इसके लिए भी कितना पैकेट है, और इसके लिए भी कितना पैकेट है, यानी चार गुने चार गुने चार, तो चार के पावर थ्री। यह बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देयर आर एम मैन, एम मैन है, और एन मंकी है, और एन बड़ा है एम से। ए मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, इन हाउ मेनी वेज एवरी मंकी हैव द मास्टर। तो आपको सबसे पहले मंकी को, मंकी वन, मंकी टू, मंकी थ्री, एमएन तक मंकी थ्री, यहां पर मैन, तो मैन था एम, तो एम इंटू एम इंटू एम, तो एम के पावर क्या हो जाएगा? इसी ढंग से रिंग और फिंगर का भी क्वेश्चन आता है। रिंग और, तो आपको क्या करना होगा, रिंग को सजा दीजिए पहले और फिंगर डालते रहे। अगर एक रिंग है, हमारे पास पांच उंगली है, तो वह रिंग को डालने के लिए पांच उंगली, दो रिंग है तो पांच गुने पांच, तीन रिंग है तो पांच गुने पांच गुने पांच, चार रिंग है तो डाल सकते हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से डाल सकते हो। नंबर ऑफ परमुटेशन अंडर द सर्टेन कंडीशन, नंबर ऑफ परमुटेशन इन डिफरेंट थिंग्स टेकन द आर एट टाइम when particular things always included each arrangement। तो इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा r into n minus 1 permutation, और यहां r minus 1। अब इसी से आपको जो बना है यह क्लियर है। कभी कभी क्या कहता है स्टूडेंट कि सर वो जाएगा तो हम ही जाएंगे। यानी अगला प्रश्न है कि नंबर ऑफ परमुटेशन एन डिफरेंट थिंग्स टेकन द आरेट टाइम व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर टेकन द अरेंजमेंट। जैसे आपको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एन माइनस वन परमुटेशन क्या हो जाएगा, आर, जब हम एक आदमी को चाहेंगे कि उसको हम एंट्री ना दें। अगला इसी ढंग से होगा,
नंबर ऑफ परमुटेशन, एन थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल द एट ए टाइम, एम एस इज फाइव थिंग्स ऑलवेज कम टूगेदर। तो यहां पर एम फैक्टोरियल इंटू एम, एन माइनस एम प्लस वन फैक्टोरियल बटे, बटे करने की जरूरत नहीं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आराम से बना देंगे। क्वेश्चन को कुछ करवाता हूं, आइए क्वेश्चन करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी परमुटेशन कैन मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, टी से स्टार्ट हो और ई से एंड हो। ट्रायंगल लिखना है, स्टार्टिंग क्या से हो, टी से, और ई से एंड हो, यही चार करेगा अरेंजमेंट। वह चार अरेंजमेंट क्या क्या करेगा, एक दो तीन चार पांच छह, छह फैक्टोरियल हो गया। और ऐसे रहता अरेंजमेंट करता आठ फैक्टोरियल। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लेटर ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस यहां पर इंश्योरेंस है, बी अरेंजमेंट दैट द वोवेल आर नेवर सेप, वोवेल सेपरेट ना रहे यानी वोवेल एक साथ रहे। तो यहां पर पहले तो वोवेल लेटर देखना होगा कि कितना हुआ। तो आओ हम लोग वोवेल लेटर को देखते हैं, आई है, यू है, ए है और ई है। टोटल लेटर कितना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ लेटर रखिए ना जी। अब यहां पर तुम्हारे पास टोटल आपके पास नौ है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब यानी पांच लेटर तुम्हारे पास जो है वह एन एस आर एन सी, पांच को इधर चार को इधर, यानी पांच तो ये है, एक एक साथ बैठाना है तो छह फैक्टोरियल। अब इसमें कोई रिपीट वाला है क्या, यहां देखेंगे कि रिपीट है कि नहीं। तो यहां पर रिपीट है कोई, तो एन रिपीट है तो दो फैक्टोरियल, और चारों आपस में होगा तो यहां पर चार फैक्टोरियल। यह बात आपका क्लियर हो,